नरेश और भारती के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था ना? हाँ जी, भारती खुशी खुशी अंकित के साथ शादी करने को राजी हुई थी। और अंकित? क्या कहीं अंकित कुछ और तो नहीं जान गया था जो हमें नहीं पता? उस रिश्ता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लोग आपको बताए नहीं होंगे। पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, अब तो वो भारती और नरेश के रिश्ते के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारती नरेश को छोड़ के घर वापस आ गए। सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब ही सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे कि 6 साल की मासूम बच्ची मुक्ति कहाँ है। सब दरअसल भारती और नरेश प्रसाद के चक्कर के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी, वो तो तब पता चला जब अंकित के पापा ओम प्रकाश माथुर ने अंकित के लिए भारती का हाथ मांगा। ये भागने से पहले की बात है? जी साहब। भारती बेटा, वो अपने ओम प्रकाश माथुर जी का बेटा अंकित है ना? हाँ। तुम उसे पसंद आई हो क्या? हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे अंकित के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। बहुत अच्छा लड़का है बेटा, पुरानी जान पहचान है, पापा की दोस्ती भी है, लड़का जी हमको बहुत पसंद है। और तुम्हें भी पसंद है? पर पापा, हम तो उसे जानते तक नहीं है ना। जानना समझना तो सारी जिंदगी चलता रहता, तो मैं ओम प्रकाश जी को हाँ कर दे? हाँ कह दीजिए, अब इससे क्या पूछ रहे हैं हमें लोग, कितना शर्मा रही है। उसके बाद तिवारी परिवार और माथुर परिवार के बीच बात आगे बढ़ी और लगभग 15 दिन के बाद भारती घर छोड़कर चली गई। नरेश प्रसाद के साथ? हमको माफ कर दीजिए पापा, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारे अंदर आप सबको सच बोलने की हिम्मत नहीं है, पर सच ये है कि हम नरेश से प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये जानकर आप सभी को तकलीफ होगी, लेकिन हम जिंदगी भर की तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अंकित या किसी भी और से शादी करेंगे तो हम उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, और नरेश की भी। नरेश से शादी करेंगे तो कम से कम हम और वो तो खुश रहेंगे, इसलिए हम नरेश से शादी कर रहे हैं पापा। आशीर्वाद तो आप देंगे नहीं, बस नफरत मत करना हमसे भारती। भारती के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे साहब, एक तो काफी खूबसूरत थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी, और उसने किसको चुना? एक 8वीं फेल मजदूर नरेश प्रसाद को, उनकी दुकान में काम करता था। मुकेश काका और उनके परिवार की हालत खराब हो गई थी। भारती की अंकित के साथ शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी? नहीं साहब, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि भारती तो काफी खुश थी। भारती को वापस कैसे लाया गया? नरेश के साथ कुछ मारपीट हुई थी? उन लोगों के बीच में क्या हुआ ये तो हमको मालूम नहीं, पर हाँ मुकेश काका ने भारती से बात की थी और उसे मना लिया था, और 1 महीने के भीतर भीतर भारती घर वापस आ गई थी। भारती के घर वापस लौटने के बाद उसकी शादी अंकित के साथ तय की गई। अंकित और उसके पेरेंट्स, क्या ये लोग भारती और नरेश प्रसाद के अफेयर के बारे में जानते थे? जानते थे साहब, उन्हें सब मालूम था। कब आते साहब? नरेश प्रसाद यहीं रहता है? हाँ सर, हमारा बेटा है, बाकी वो यहाँ नहीं रहता है आजकल, ललितपुर में रहता है। ललितपुर में नहीं रहता है, छोड़ दिया वहाँ से, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन नरेश के बारे में कहाँ पूछ रहे हैं? सब घर में और कोई नहीं। कहाँ छुपा है नरेश?
साहब, अगर वो ललितपुर में नहीं था तो अपना ससुराल में हो सकता है, चाका गांव में। चाका गांव में कहाँ उसका ससुराल? ये तो पता नहीं है साहब, कहे कि हम कभी गए नहीं वहाँ। आप कहे पूछ रहे हैं साहब हमरे नरेश के बारे में? शायद खून किया उसने, वो भी दो दो। साहब 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 साहब, किसका खून किया है उसने? भारती का, जिससे उसकी कभी शादी हुई थी, और उसकी बड़ी बहन नीता का। दोनों के साथ एक 6 साल की बच्ची थी मुक्ति, जो गायब है। कुछ जानते हो उसके बारे में? उनके बारे में तो नहीं पता साहब, लेकिन हमारा नरेश किसी का खून नहीं कर सकता साहब। सभी माँ बाप यही बोलते हैं। अगर नरेश तुम्हें फ़ोन करता है या उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें बताना, और अगर उसके ससुराल में बताने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा पछताओ। बाबूजी, ये आपकी बहू है भारती। बड़े घर की लड़की लगती है। जी बाबूजी, जिस दुकान में काम कर रहे थे उसी के मालिक की बेटी है, बीए पास है। ये जो सबका दिल दुखा के जो शादी किए हो ना, ये अच्छा बात नहीं। प्यार हो गया तो क्या करे बाबूजी, और जो प्यार करना गलती है तो ये गलती जिंदगी भर करते रहे। जीब से गरीब है तो दिल से भी गरीब रहे। भारती तो नरेश को छोड़कर पहले ही चली गई थी, उसका बाद नरेश अपना मर्जी से राखी से शादी कर लिया था। ये जो इशक का रोग होता है ना नरेश के माई, एक कुत्ते की दुम की तरह होता है, जो कभी सीधी नहीं होती। इतना वक्त हो गया, अब क्यों जी? क्या 1.5 साल से दबा जज्बात का लावा अचानक उमड़ आया था? नरेश अब एक शादीशुदा आदमी था और अंकित और भारती अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, तो फिर नरेश और भारती के रास्ते फिर से किस मोड़ पर मिल गए? इस बात में दो राय नहीं थी कि नरेश का इस हत्याकांड से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन किस हद तक था ये वक्त ही बताने वाला था, और वक्त निकलता जा रहा था। एक 6 साल की बच्ची अब तक गायब थी। राखी तुम ही हो नरेश प्रसाद की पत्नी? जी। नरेश कहाँ है? बाजार गए हैं, वो तो अभी आते ही होंगे। इस केस में एक बात मुझे शुरू से खटक रही थी, नीता और भारती उस दिन शॉपिंग के लिए गई थी पर उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। साहब हमको यहाँ कहाँ बिठा रखा है, हमने क्या किया है? 15 दिसंबर रात 8:30 बजे भारती तिवारी के फोन पर एक कॉल किया गया था। वो कॉल एक पीसीओ से किया गया था। पीसीओ एक किराने की दुकान में है, और किराने की दुकान ललितपुर में है, और ललितपुर तुम्हारे घर के बहुत करीब। साहब हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि भारती को वो कॉल तुमने किया था। अब तुम ये बताओ कि भारती के साथ तुमने और क्या क्या किया? साहब भारती के साथ हमने ब्याह किया था, पूरी ईमानदारी के साथ, 1.5 साल पहले। उसके बाद वो हमें छोड़कर चली गई, हमारा रिश्ता टूट गया। उसके बाद कोई संबंध नहीं था, और अब हम एक शादीशुदा आदमी है साहब। तो उस शादीशुदा आदमी ने 14 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी को जबरदस्ती मायके क्यों भेजा? नरेश यहाँ कब से रह रहा है? याद नहीं साहब। तुम दोनों यहाँ कब से रहने के लिए आए? हम दोनों साथ नहीं आए थे, हम 14 तारीख को आए थे और वो 16 तारीख को आए थे साहब। ऐसा क्यों? हमारे पति ने कहा कि अपनी माँ के यहाँ चले जाओ, हम आ गए। फिर 2 दिन बाद वो भी आ गए, बोले कि अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। साहब वो तो हमारी पत्नी राखी बार बार मायके जाने की जिद कर रही थी, अम्मा जी की याद आ रही है, अम्मा जी की याद आ रही है, तो 14 तारीख को जाने दिया हमने उसे। तुमने जाने नहीं दिया नरेश प्रसाद, तुमने अपनी बीवी को जबरदस्ती मायके भेजा। क्यों? क्योंकि तुम एक साजिश रच रहे थे। मुक्ति, नीता और भारती, 16 दिसंबर को ये तीनों तुम्हारे घर आने वाले थे। चौंको मत, हमें सब पता है, क्योंकि नीता और भारती के फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, और इनके फोन रिकॉर्ड के हिसाब से इनके फोन की आखिरी लोकेशन तुम्हारे घर के पास है। बोलो, ये तीनों तुम्हारे घर क्यों आने वाले थे और तुमने इनके साथ क्या किया? साहब भारती के साथ तो हमारा रिश्ता 1.5 साल पहले ही टूट चुका था, वो हमारे घर क्यों आएगी? और नीता और उसकी बेटी हमारे घर क्यों आएगी साहब? हमने तीनों का खून नहीं किया है। नरेश प्रसाद, मैंने तुमसे कब कहा कि तीनों मर चुके?
फहीम नगर नाले में हमें सिर्फ दो डेड बॉडीज मिली, नीता और भारती की। मुक्ति अभी भी हमारे लिए लापता थी। ये हम पहली बार तुमसे सुन रहे हैं कि मुक्ति का भी कत्ल हुआ। इसका मतलब है नीता और भारती के साथ साथ तुमने मुक्ति का भी कत्ल किया। नरेश प्रसाद, अब सब कुछ सच सच बोलो, वरना मैं तुम्हारी खाल गिर दूंगा। ऐसे कैसे छोड़ के जाने की बात कर रही हो भारती? शादी हो चुकी है हमारी। हम जिंदगी भर अपने माँ पापा को दुखी नहीं देख सकते नरेश। और हमें देख सकती हो? अपने आप को देख सकती हो? तुम ये सब भूल जाओ, सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। भारती, तुम जज्बात में आकर फैसला कर रही हो, ठंडे दिमाग से सोचो। ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। 2 साल हम तुम्हारे ही ख्याल में रहे हैं बस। 23 साल से हम अपने घर वालों के ख्याल में है। 23 साल का खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। 2 साल के जज्बात के जुनून को भुलाया जरूर जा सकता है नरेश। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने परिवार वालों को भी दर्द नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखो और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अपने माँ बाप की खुशी के लिए हमें छोड़ गई भारती, पर हमको बहुत नाखुश छोड़ गई। हम उसे कभी भुला ही नहीं पाए। हम न कुछ खा पा रहे, न सो पा रहे, न कुछ काम धंधा कर पा रहे, बस थोड़े थोड़े मरे जरूर जा रहे तुम्हारी याद में। भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं नरेश। तो बस फिर वापस आ जाओ। नहीं नरेश, आऊंगी तो बहुत गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा भारती, हमारी एक जिंदगी है, उसको ऐसे खराब मत करो। हम मान लेंगे तुम शादी के बाद एक बार मायके चली गई थी। हम तुमको एक बार देखना चाहते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं भारती। हाथ जोड़ते तुम्हारे, वापस आ जाओ, एक बार आ जाओ बस। हम कभी अलग हुए नहीं साहब। दुनिया के लिए, उसके घर वालों के लिए, हमारे घर वालों के लिए हमारा रिश्ता टूट चुका था, पर असल में हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। तो 6 महीने पहले तुमने राखी से शादी क्यों की? साहब वो शादी कोई शादी नहीं थी, वो तो हमारी मजबूरी थी। हमारे माँ बाबूजी ने हमारे ऊपर दबाव डाला था। हमारे लिए तो सिर्फ भारतीय थे, वो बीच बीच में हमसे मिलती रहती थी, लेकिन दोबारा से हमारी पत्नी बनने को तैयार नहीं थे। लेकिन तुम तैयार थे राखी के साथ अधूरा और बेईमान रिश्ता जोड़ने के लिए। नहीं 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 साहब, राखी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो हमारी बदनसीबी है। रिश्ता तो सिर्फ हमारा भारती के साथ था, और हम मिल भी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उसने कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फोन पे भी नहीं। काहे? क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है और जनवरी में हमारी शादी है। सगाई, शादी, ये सब कब हुआ? और तुम हमको बताई भी नहीं भारती। तुमने भी तो शादी करने के बाद ही हमें बताया था ना। भारती तुमको पता है ये शादी हमारे और हमारे रिश्ते के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये शादी हमारे लिए मायने रखती है, और हमारे बीच जो रिश्ता था अब मायने नहीं रखता। भारती हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। हम दोनों में इतनी ताकत तो है कि हम अपने अपने जीवन साथियों के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर सके। भारती ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर हमने हमारा फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर अलग अलग जगह अलग अलग पीसीओ से हम उसको फोन करने लगे। फिर एक रात जब हमने उसको कॉल किया, दूसरी तरफ भारती नहीं थी। हेलो भारती, हम नीता बोल रहे हैं, और हमें पता है कि तुम नरेश बोल रहे हो। भारती कहाँ है? भारती अपनी दुनिया में खुश है, और तुम्हारी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम भारती की तरफ से कह रहे हैं उसे परेशान करना बंद कर दो। भारती को फोन दीजिए, और आप ऐसे धमकी मत दीजिए हमको। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तुमको सलाह दे रहे हैं। तुम्हारा इस तरह से फोन करना ना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए सही है, और ना ही भारती की जिंदगी के लिए। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर फोन मत करना, और भारती भी तुमसे फोन पे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सब बंद करो भारती। दीदी हम भी उसे अपने दिल से, जिंदगी से, हर जगह से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार फोन करता रहता है,
फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारती, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा और नरेश का रिश्ता रह चुका है, अंकित तुमसे शादी कर रहा है क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है, उसका भरोसा यूं मत तोड़ो। हाँ दीदी, हम पूरी कोशिश नहीं, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी से नरेश नाम का पन्ना फाड़कर फेंक दो। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर दोबारा तुमने कोई भी गलत काम किया तो वो गलती नहीं होगी, गुनाह होगा, क्योंकि नरेश की भी शादी हो चुकी है। कम से कम उसकी बीवी के बारे में तो सोचो। फिर क्या हुआ? 15 दिसंबर की रात को तुमने भारती को फिर से फोन किया। नीता जी, बस एक आखिरी बार हमको उससे मिलने दीजिए। इससे फोन पर रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे हम उससे। पागल हो गए का नरेश? एक महीने बाद भारती की शादी है। एक आखिरी बार उसको हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमको पता है जिंदगी में अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। बस इतना रहम करिए हमारे ऊपर। आंख से खेल रहे हो तुम भारती, क्यों मिलना है उसे तुम्हें, वो भी शादी से एक महीना पहले? दीदी, हमारे और नरेश के बीच में कुछ नहीं है। तो उसे ऐसा फोन पे बता दो, उसे मिलने की क्या जरूरत है? दीदी, आखिरी बार हम उसे आमने सामने मिलके बोल देते हैं, तभी ही वो हमारी बात का यकीन करेगा कि दिल से हमने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। दीदी, ये हमारी जिंदगी की उसके साथ लास्ट मीटिंग होगी। हमें तुम पर भरोसा है, उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मना मत करना। भारती और नरेश की आखिरी मुलाकात होने जा रही थी। जज्बात, यादें, फर्ज, भरोसा, इन सभी के बीच खींचातानी होने जा रही थी। ये विस्फोटक मुलाकात आपे से बाहर ना जाए, इसलिए बतौर अंकुश भारती की बड़ी बहन नीता भी उसके साथ गई और बदकिस्मती से अपनी 6 साल की बच्ची मुक्ति को भी अपने साथ ले गई। हम बस उसे अलविदा कहना चाहते थे आखिरी बार, लेकिन भारती को देखकर हमारे बस जज्बात उमड़ गए। जज्बात नहीं नरेश प्रसाद, जेलसी, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर का जहरीला लावा उमड़ आया। नरेश, ये सारी बातें कई बार हो चुकी है। तुम शादीशुदा हो और एक महीने के बाद हम भी शादीशुदा हो जाएंगे। अब अगर हमारे बीच में कुछ भी हुआ तो वो गलत होगा, बेवफाई होगी। पर वो जिंदगी नहीं होगी भारती। होगी। और एक बात हम तुम्हें सच सच बता देना चाहते हैं, हम अंकित से प्यार करने लगे हैं। झूठ, झूठ है ये सब। हम तुम्हें यकीन दिलाने नहीं आए हैं, बस बताने आए हैं कि हमें भूल जाओ। तुम्हें बुला चुकी हो? बुला चुकी होती तो यहाँ नहीं आती। भारती तुम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। अगर हम तुम्हें भूल नहीं चुके होते तो यहाँ पे अपनी दीदी के साथ नहीं आते। देखो नरेश, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे दिल में सिर्फ अंकित है और वही रहेंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर हमने देखा, पहली बार उसकी आंखों में एक प्यार का कतरा तक नहीं दिखा। मार दिया था उसने हमारे प्यार को, गला घोट दिया था उसने हमारे प्यार का। बाय नरेश। भारती, दरवाजा खोलो, हमें देर हो रही है, घर जाना है। भारती, नीता से हमारा कोई लेना देना नहीं था साहब। अगर उसे छोड़ देता तो वो पूरी दुनिया को बता देती कि हमने भारती को मारा है। हमने जो किया अपने बचाव में किया साहब। भारती कहाँ है, हमें देर हो रही है। वो सो गई है। सो गई? हाँ। हटो, हटो सारा। भारती, ए भारती, 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 भारती,
हमारे घर में तीन तीन लाशें पड़ी थी, आपको बता नहीं सकते कितना डर गए थे हम। हमने भारती और नीता को अपने कपड़े पहनाए, रात तक इंतजार की और एक एक करके लाशों को नाले तक ले गए। हमने तीनों लाशें नाले में ही फेंक दिए ताकि वो वहीं गल जाए और कोई पहचान ना सके कि आदमी थे कि औरत, इसलिए अपने कपड़े पहना दिए। भारती के पिता ने भारती और नीता को शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए दिए थे, वो हमने ले लिए थे, खर्च कर दिए। इनके कपड़े और मोबाइल्स? वो सब भी नाले में ही फेंक दिए थे, सोचे थे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तुम्हारी तरह हर मुजरिम जुर्म करते वक्त यही सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन देर सवेर हर मुजरिम पकड़ा ही जाता। मुक्ति की लाश के लिए दोबारा से नाले में सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। भारती और नीता के माता पिता और भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 16 दिसंबर की सुबह दोनों बहनों ने उनसे झूठ बोला था कि वो शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि नरेश को छोड़ने के बाद भी भारती का उसके साथ अफेयर चलता रहा था। अंकित और उसके परिवार को भी इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि भारती का नरेश से भारती के वापस आने के बाद भी अफेयर चलता रहा था। दीपक अपनी पत्नी नीता को खोने के बाद उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे उसकी बेटी मुक्ति जरूर मिलेगी, पर मुक्ति की मौत की खबर ने दीपक को पूरी तरह से तोड़ दिया। नरेश की पत्नी राखी कुछ सोच ही नहीं पा रही है, उसे नरेश की जिंदगी के इस पहलू के बारे में भनक तक नहीं थी। मुक्ति की लाश आज तक नहीं मिली है। नरेश प्रसाद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। काश भारती ने उसी वक्त इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता जब वो नरेश से शादी तोड़कर अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर घर लौटी थी। काश भारती ने रिश्ता तब खत्म कर दिया होता जब भारती को पता चला था कि नरेश ने शादी कर ली है। काश भारती ने तब इस रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता जब उसकी अंकित के साथ सगाई हो गई थी। काश उस दोपहर वो तीनों नरेश से फेस टू फेस मिलने जाते ही नहीं, फोन पर ही ब्रेक ऑफ काफी समझा जाता। जज्बात की आंधी में काश वाले सवालों के जवाब शायद ही कभी मिलते हैं, पर ये सवाल तब उठते हैं जब वो आंधी भयंकर तबाही मचा जाती है, जिंदगी भर का गम दे जाती है। लेकिन जुबैदा खान महज 19 साल की लड़की, भोली, दुनियादारी से अनजान, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा सहा उसने। जिंदगी ने कभी उसे वक्त ही नहीं दिया ये सोचने का कि काश। तू जुबैदा हो ना? नाजायज लड़की है वो। नानी जान, मैं जुबैदा की निकाह की बात करने आई हूँ। आपको किसने बताया मेरे बारे में? चौदह मार्च 2015, 3 महीने की नन्नी रहमत अपनी अम्मी की गोद में चैन से सोई हुई थी, इस बात से अनजान कि वो आज अपनी अम्मी से जुदा की जाने वाली थी। और कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? बस पहुंचने वाले, बोरीवली तो आ ही गया, बस पहुंच जाएंगे। रुको, मैं भाई से पूछ लेती हूँ वो कहाँ तक पहुँचा। हेलो, हाँ भाई, कहाँ पहुँचा तू? अच्छा अच्छा अच्छा, हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो आ ही रहा है, हम जब तक पहुँचेंगे तब तक वो भी पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार मिल लेना, फिर बात कर लेना उससे। अले ले 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 ले, गुड़िया रानी, कैसी हो? भैया आप यहीं पे रुकना, हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर इन दोनों को उनके घर छोड़ देना। जल्दी आइएगा, पार्किंग का थोड़ा लफड़ा है। हाँ हाँ, जल्दी आएंगे, चलो जुबैदा बेटी। आओ,
यही 6AP भाई ने इंतजार करने के लिए बोला है। वो आते ही फोन करेगा। गोरेगांव तो वो पहुंच ही गया। एक काम करती हूँ, मैं उसे फोन करके पूछ ही लेती हूँ वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है। हेलो। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे तुम? नहीं नहीं नहीं, हम तो कब का पहुँच चुके। क्या, स्टेशन के सामने वाला बस स्टॉप? अच्छा ठीक है, हम लोग वहीं पहुँचते हैं। क्या हुआ? सुबेदा बेटी, बुरा मत मानना, शायद मेरे सुनने में ही गलत हो गया। मुझे लगा भाई ट्रेन से आ रहा है, लेकिन वो बस से आ रहा है। उसने कहा है कि स्टेशन के सामने एक बस स्टॉप है ना, वहीं आके हमसे मिलेगा। तो चले हम लोग। चलो चलो चलो, यहीं पास में ही है बस स्टॉप। आप बहुत देर हो गई है, मुझे घर भी जाना है और रहमत को भी भूख लगी होगी। ऐसा हो सकता है हम कल मिले। अरे नहीं 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 नहीं, सुबेदा बेटी मैं समझ सकती हूँ, यहाँ तक आके बिना मिले कैसे जा सकते हैं। हाँ बोलो, चलो पास में ही है। सुबेदा बेटी, बच्ची के लिए पानी वानी लाई है ना? नहीं, वो जल्दी में घर से निकल गई थी तो पानी लेना भूल गई। हाय अल्लाह, पानी नहीं लेके आए? अरे रे रे रे, क्या होगा अभी? अरे तू एक मिनट रुक, ये पैसे ले और जाके पानी लेके आ। यहाँ तो दुकान वुकान है ही नहीं पास में। तू एक काम कर, तू स्टेशन में जाके पानी लेके आ, तब तक मैं बच्ची को संभालती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, ये मेरे बगैर रहती नहीं है, रोने लग जाती है। अरे बिल्कुल नहीं रोएगी, चल लाना। अरे मुझे बहुत तजुर्बा है बच्चे संभालने का, चल ला 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 ला। अरे लाना, कुछ नहीं होगा, ला 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 ला, ले ले ले। अरे तू जा पानी लेके आ, तू भी जा इसके साथ। अरे खड़ा क्यों है, जाना। एक पानी की बोतल देना। भैया, अभी मेरे साथ इधर एक लड़का खड़ा था, आपने उसको देखा? नहीं देखा मैंने। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ कौन थे वो लोग? तुम क्यों गई थी स्टेशन उन लोगों के साथ? कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानती वो औरत कौन थी। वो मुझे बोरेवली स्टेशन लाई थी अपने भाई से मिलाने के लिए, कह रही थी कि उसका भाई मुझसे निकाह करना चाहता है। मेरी रहमत चाहिए साहब, मुझे मेरी रहमत चाहिए। नाम क्या था उस औरत का? नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। तुम उस औरत के साथ उसके भाई से मिलने गई थी शादी की बात करने, और तुम्हें ये नहीं मालूम वो औरत कौन थी, उसका भाई कौन था? तुम होश में तो हो जुबेदा? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे पैसे दिए थे पानी लाने के लिए, मैं पानी लेकर आई, उतनी देर में वो मेरी रहमत को उठा ले गई साहब, मेरी बच्ची। शुरू से बताओ हुआ क्या, कौन थी वो औरत, तुम उससे कहाँ मिली? आज मैं उससे पहली बार मिली, वो मेरे घर आई थी दोपहर को मुझसे मिलने के लिए। घर कहाँ है तुम्हारा? दगरवाड़ी में।
जुबेदा हो ना? हाँ, आप कौन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारे नानी जान घर पे है? अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम। आप कौन है? मैं बगल वाले चौल में रहती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सर दरवाजा बंद कर देना जुबेदा बेटी, और मेरे पास आके बैठ। मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। इसलिए दरअसल नानी जान, मैं यहाँ अपने भाई के बारे में बात करने आई हूँ। वो 26 साल का है, लोअर परेल में फैक्ट्री में काम करता है। 12,000 तनख्वाह है उसकी। ये सब बातें हमें क्यों बता रही है? आपकी जुबेदा बेटी के लिए, नहीं समझी आप? नानी जान, मैं जुबेदा की निकाह की बात करने आई हूँ अपने भाई के साथ। आप घबराइए मत, मुझे मालूम है जुबेदा की एक 3 महीने की बेटी भी है। जुबेदा बेटी बुरा मत मानना, मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सारे मालूमात करके आई हूँ। आप तो जानती है नानी जान, निकाह के मामले में ये सब तो करना ही पड़ता है। आपको किसने बताया मेरे बारे में? देखिए नानी जान, 19 साल की लड़की जब बिना निकाह के माँ बनती है, तब बस्ती वाले लोग तो बातें करेंगे ही। मेरी बातों का बुरा मत मानना जुबेदा बेटी, लेकिन मेरा खुदा जानता है, मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। मेरा भाई तुझसे निकाह करना चाहता है, वो रहमत को भी अपनाने के लिए तैयार है। नानी जान आप ही सोचिए, दुनिया के ताने सुन सुन के कब तक जिएगी ये? जुबेदा बेटी मैं तुम्हारे झिझक समझती हूँ, मैं अचानक से तुम्हारे घर पे तुम्हारे निकाह की बात लेके आ गई, लेकिन बेटा देखो जिंदगी में जैसे अचानक से चीजें बिगड़ जाती है ना, कभी कभी सुधर भी जाती है, इसी का नाम तो जिंदगी है। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। जरूर नानी जान, और मैं तो कहती हूँ 10 नहीं 100 बार सोच लीजिए। अरे मैं कहाँ आज ही निकाह करने की बात कर रही हूँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जुबेदा मेरे भाई से आज बस मिल ले। और जुबेदा बेटी मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूँ, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। नानी जान आप ही सोचिए, आपके नवासी का घर बस जाएगा, उसकी बच्ची को अब्बा का प्यार मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बुरा मत मानिएगा नानी जान, लेकिन आप जुबेदा और रहमत के साथ कब तक रहेगी? कल को रहमत को अब्बा की जरूरत पड़ेगी, जुबेदा को अपने पति का नाम का जरूरत पड़ेगी, और 19 साल की लड़की के तो अपने भी कुछ सपने होते हैं ना, और एक बार मिलने में हर्जी क्या है? और ना कहने में कहां वक्त लगता है, हाँ कहने में चाहे जितने भी वक्त लगा लो। क्यों नानी, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरा भाई 1-8 घंटे में काम से लौटने वाला है, और वो भी जुबेदा से मिलना चाह रहा था। आज ही दोनों को मिला देती हूँ। चलो जुबेदा बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसको भी साथ में लेके चलते हैं, मेरा भाई बहुत खुश होगा इसे मिलके। और वैसे भी वो बोल रहा था वो दोनों से मिलना चाहता है। बोलने में बड़ी तेज थी वो औरत, मैं और नानी तो कुछ कह ही नहीं पाए, वो बस इसी सिद्ध पर अड़ी थी कि मैं एक बार उसके भाई से मिल लूं। नानी ने भी कहा कि मिलाओ, और मैं मान गई, मैंने रहमत को अपने साथ लिया। कौन है ये मेरा भाई है, इन्हीं से मिलना है, लेकिन आपने तो कहा था कि... अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा मुंह बोला भाई है, हम जिसे मिलने जा रहे हैं वो मेरा सगा भाई है। आओ तुम बैठो, मैं बताती हूँ। आओ मैं उसके साथ बोरिवली स्टेशन चली गई, फिर उसने कहा कि उसका भाई बस स्टॉप पे मिलेगा, फिर हम बस स्टॉप पे आए, फिर उसने मुझे पैसे दिए पानी लाने के लिए, मैं और उसका मुंह बोला भाई पानी लाने के लिए स्टेशन चले आए, मैंने पानी लिया और मैं पलटी और मैंने देखा कि उसका भाई नहीं था, मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, मुझे उसका भाई नहीं मिला, तब मुझे समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं दौड़ी, मैं बस स्टॉप पर आई, लेकिन तब तक वो मेरी रहमत को लेकर भाग चुके थे, तब वो मेरी रहमत को चुरा ले गए। जुबेदा ये बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे थे तुम लोग? प्लेटफॉर्म 6A। तुम ऐसे ही उस औरत के साथ चली आई? तुमने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा? नहीं साहब, नहीं पूछ पाई, कुछ नहीं पूछ पाई साहब, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, पता नहीं क्या करेंगे। रहमत का कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो नहीं है मेरे पास साहब, वो 3 महीने की है साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरी रहमत के साथ, पता नहीं क्या करेंगे साहब, मेरी रहमत को ढूंढिए। शिंदे जुबेदा को घर भेज दो और पता लगाओ इसके बारे में, क्या वाकई में इसकी कोई बेटी है?
क्योंकि कहानी तो बड़ी अजीब है इस लड़की की। हाँ सर, वो तो है। एक अनजान औरत जिसका चेहरा तक उसने नहीं देखा, उसके साथ वो अपने लिए लड़का देखने चली गई। मुझे लगता है पूरी कहानी मनगढ़ंत है, कोई बच्ची बच्ची किडनैप नहीं हुई, कुछ और ही कांड किया इसने। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ इसको यहाँ ले आई तो हमारे सामने बताने के लिए इसने ऊटपटांग कहानी बना ली। पता करता हूँ सर उसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी। पुलिस को जुबैदा की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने जुबैदा और रहमत के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। मैडम जी, नाजायज लड़की है वो। कौन, जुबैदा या रहमत? जुबैदा का तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जुबैदा के माँ बाप कई साल पहले गुजर गए थे, तब से वो अपनी नानी के साथ रहती है। लेकिन मैं तो रहमत की बात कर रही थी आपसे। रहमत की माँ है ना जुबैदा? हाँ, लेकिन रहमत का बाप कौन है कोई नहीं जानता, शायद जुबैदा को भी पता नहीं होगा। काम क्या करती है जुबैदा? कचरा चुनती है, दिन भर कचरे में ही रहती है। बड़ी बेशरम है वो, मटके जैसा पेट लेके पूरे बस्ती में घूमती रहती थी वो। सर, बोरीवली प्लेटफॉर्म नंबर 6A का CCTV फुटेज मिल गया है। पता नहीं साहब आप किससे क्या रिश्ता था, पर पूरी बस्ती थू थू करती थी जुबैदा पर जब ये बच्ची पैदा हुई थी। बिना शादी के पैदा हुई थी बच्ची, नाजायज। अभी 3 महीने पहले पैदा हुई थी बच्ची, ये बाजू का म्यूनसिपल अस्पताल है उधर। किसकी बच्ची थी? मुझे क्या साहब, किसी को नहीं मालूम किसकी बच्ची थी। किसने अगवा किया होगा जुबैदा की बच्ची को? बस्ती में किसी के साथ दुश्मनी थी? बनती तो किसी के साथ नहीं थी, लेकिन दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं थी साहब। पर साहब अगवा तो अमीरों के बच्चे होते हैं, इस कचरा चुनने वाले की बच्ची को कोई क्यों चुराएगा? तो तू कहना चाहता है कि जुबैदा ने अपनी बच्ची को जानबूझ कहीं छोड़ दिया या किसी को दे दिया? साहब मैं ये कह रहा हूँ, अब नाजायज बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। लगता है जुबैदा ही रही है और साथ में बुरके वाली औरत भी है और ये एक लड़का भी, और ये लोग बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब जुबैदा जो कह रही थी वो बात सही थी, वो अपनी बच्ची को बुरके वाली औरत के साथ स्टेशन लेकर गई थी और वो औरत उसकी बच्ची को लेकर चली गई। लगता है ये किडनैपिंग का ही केस है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी को एक गरीब लड़की की बच्ची को किडनैप करके मिलेगा क्या? अगर जुबैदा की कहानी सच भी हुई तो भी वो इतनी आसानी से उस औरत की बात क्यों मान लेगी और इतनी लापरवाही से अपनी बेटी उसे सौंप देगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ शिंदे, क्या जुबैदा सच में उस बच्ची की माँ है? सर, बच्ची जुबैदा की ही थी। 3 महीने पहले डगरवाली म्युनिसिपल हॉस्पिटल में बच्ची की डिलीवरी हुई थी। जुबैदा जिस कबाड़ी वाले फरदीन को सामान बेचती थी उसने बताई ये बात। जुबैदा के पड़ोसियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्ची की माँ जुबैदा ही थी, लेकिन सर बच्ची के बाप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर बस्ती वाले तो बच्ची को नाजायज कहते थे, इसलिए काफी ताने भी मारते थे जुबैदा और उसकी नानी को। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिल्लत और जिम्मेदारी दोनों से बचने के लिए जुबैदा ने ये सब किया? शायद उसने खुद अपनी बच्ची को उस औरत के हाथों बेच दियो। नानी, मुझे मेरी रहमत वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए नानी। ये भी तो हो सकता है कि जुबैदा को उसकी बच्ची चाहिए ही नहीं थी, शायद वो अपनी बच्ची को बेचना चाहती थी लेकिन दिखाना ये चाहती थी कि उसकी बच्ची रहमत को कोई लेकर भाग गया है। उसने स्टेशन पर एक्टिंग शुरू की, शायद एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, लोग उसे हमारे पास ले आए, अब उसके जो मन में आया उसने हमें वो कहानी सुना दी। चल चल, या ये भी हो सकता है कि जुबैदा को इस साजिश का वाकई पता ना हो। एक तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, दूसरी वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। हो सकता है किसी ने जुबैदा के भोलेपन का फायदा उठाया। तुम 1 हफ्ते में आ जाओ, यहां सब शांत हो जाएगा। पक्का? समझो ऊपर वाले की रहमत होने वाली है हम पर। अगर हमें जुबैदा की बच्ची रहमत को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। ये मिलेगा, मुंह खोलेगा तो इस केस के राज खुलेंगे। और पता करो कि रहमत का बाप कौन है। एक गरीब मां की बेटी जिसे उसके बाप ने नहीं अपनाया, उसे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई,
इसकी वजह भी कोई बड़ी ही होगी। क्या जुबैदा के आंसुओं में सच्चाई थी? क्या वो एक साजिश का शिकार थी या वाकई किसी ने उसकी बच्ची को चुरा लिया था? अगर ऐसा था तो किसने किया था यह अपहरण, और रहमत के अपहरण के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या जुबैदा के किसी करीबी का इसमें हाथ था? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी या फिर और नए सवाल खड़े होंगे? ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।